हाँ जी, तो ये एक रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं रिव्यू दूंगा आप लोगों को आदिवासी हेयर ऑयल का, जो कि मैं 4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो उस समय मैंने बताया था इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज़ करने के बाद मैं इसको आपको रिव्यू दूंगा, कैसा है प्रोडक्ट, यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में सारी डिटेल में बात करेंगे इस आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखना। अगर आप हेयर ऑयल यूज़ करने का सोच रहे हो या यूज़ कर रहे हो तो शायद ये वीडियो आपके काम की है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो और नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जी, ये एक है रिव्यू वीडियो, जो कि रिव्यू है एक आदिवासी हेयर ऑयल का, जो ब्रांड है विश्वंभरी। ये प्रोडक्ट मैं 4 महीने पहले इस पर एक वीडियो बनाया था जब मैंने इसको मंगाया था। इसका मैं प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू दिया था, अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बोल सकता हूँ। उस समय मैं आप लोगों को बताया था कि मैं इसको यूज़ करूँगा और इसका प्रॉपर आप लोगों को रिव्यू दूंगा, कैसा है प्रोडक्ट, क्या है क्या नहीं है। तो ऑलमोस्ट मैं इसको यूज़ किया काफ़ी अच्छा, 1-1.5 महीने तक। आप ये देख सकते हो नीचे में थोड़ी सी क्वांटिटी बची हुई है। तो अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो जो मैं ऐड देख के ये प्रोडक्ट मंगाया था, जो कि आदिवासी हेयर ऑयल है, और उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं यहाँ लिंक में डाल देता हूँ, आप लोग देख लो जरूर से वो वीडियो। थोड़ा सा ऑडियो इशू था उस वीडियो में बस, और बाकी वीडियो आप देख सकते हो। और उस वीडियो में मैंने ये सोच के मंगाया था कि ये प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट है जो वो ऐड में देखता था, मैं बहुत फेमस था ऐड में कि हम आदिवासी लोग हैं, हम ऑयल बनाते हैं, ये ऐसा वैसा था। तो उसको देख के मैंने वो प्रॉपर ऐड उस वीडियो में मैं डाल रखा हूँ। तो उस ऐड को मैं देख के मैं ये प्रोडक्ट मंगाया था और मैंने सोचा ये सेम टू सेम है। पर जब इसको मैंने मंगाया तो मुझे पता चला, काफ़ी मैंने रिसर्च भी किया, देखा भी, बहुत लोगों से कंसल्ट भी किया, और मैं उस डायरेक्ट हेयर ऑयल के जो प्रोडक्ट का जो बनाते हैं उनसे भी बात किया। और इस पर भी मैंने बताया था उस वीडियो में कि ये प्रोडक्ट गुजरात में बन रहा है, पर वो जो वीडियो में बताते हैं वो बोलते हैं कर्नाटका में बना हुआ है। तो सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है ये फेक है, फेक मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मतलब प्रोडक्ट तो है भाई, चलो ठीक है, आप अपना ब्रांडिंग कर रहे हो, वो भी अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिबॉक का नाम लेके रिबुकी ही खरीद लो। तो मैंने यही देख के इसको लिया था कि मैं सोचा आदिवासी हेयर ऑयल है, जो कि वो ऐड में आता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इनके रिव्यू का, जो कि मैं एज यूजुअल हॉनेस्ट रिव्यू देता हूँ, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो मुझे कोई इसका पैसा नहीं मिला है आज तक, जो भी मैंने प्रोडक्ट रिव्यू आप लोगों को दिया है उसमें मैं किसी से भी कोई भी अर्निंग नहीं करता हूं। जो भी होता है मैं आप लोगों को यूज़ करने के बाद देता हूं वीडियो का रिव्यू, और सब सही से बताता हूं कि मुझे क्या बेनिफिट मिला है। या फिर अगर चलो कभी कभी इनकेस होता है मैं कोई प्रोडक्ट मंगाता हूं, मैं यूज़ नहीं कर पाता हूं, तो घर में या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर यूज़ करता है तो मुझे रिव्यू दे देता है कि नहीं जम नहीं रहा है, अच्छा नहीं है, तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो ये जो मैंने यूज़ किया है, इसका मैं खुद यूज़ किया हूँ, अपना सेल्फ यूज़ का बताऊँगा रिव्यू, मुझे कैसा लगा ये प्रोडक्ट, क्या आपको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अब मैं इसको यूज़ किया, यूज़ के पहले मैं आप लोगों को इसका रेट वगैरह बता देता हूँ। वैसे रेट मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बनाया है। मैंने इसको मंगाया था फ्लिपकार्ट से, इसका क्वांटिटी जो था वो 60 ml था, मुझे 170 rupees का कुछ पड़ा है। मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट डाला था उस वीडियो में, आप वो वीडियो आप जाके एक बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें मैंने क्या क्या बताया था। उसको मैं यूज़ करना स्टार्ट किया था, उसके बाद से मैंने बाल थोड़े छोटे कराए थे, यूज़ करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो इन्होंने क्लेम किया है कि भाई इनसे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, प्रिवेंट हेयर लॉस, और उसके बाद ड्राई या नीची स्कल्प को ट्रीट करता है, डेंड्रफ को ट्रीट करता है, स्ट्रेंथ लाता है रूट्स में, और हेयर स्मूथ करता है, ड्राई स्कल्प को प्रिवेंट करता है, और ग्रेइंग हेयर को, एंड साइन एड एंड वैल्यू। सो ये सारी चीज़ें इनका जो है बक्से पे लिखा हुआ है, ये जो डिबिया दे रखी है इन्होंने। अब इसकी रियलिटी क्या है वो मैं बताता हूँ। इसको जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मुझे इसमें बेनिफिट कुछ दिखा था, पर उसके बाद मुझे साइड इफेक्ट उल्टा दिखने लगा। बेनिफिट क्या था कि हाँ, ये मानता हूँ थोड़ा सा थिक हेयर था, मैंने बताया था, पर मुझे जो लगा था कि ये जो एक ऑयल आता है केमिकल वाला, रेड कलर का हो चुका है, आप देख रहे हो ये रेड कलर का था, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, अगर उस समय लाइट नहीं रही होगी प्रॉपर तो आप अभी देख लो, ये रेड कलर का थोड़ा सा बचा हुआ है। इसको मैंने अच्छा खासा यूज़ किया, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते थे कि भाई आप प्रोडक्ट लंबा टाइम तक यूज़ नहीं करते हो, 3-4 महीना यूज़ करो फिर उसके बाद बताओ, पर भाई जब मुझे साइड इफेक्ट दिखने लगेगा 10 दिनों में 15 दिनों में 2 महीना, तो मैं क्या पूरा गंजा होने का वेट करूँ, नहीं ना भाई। तो वही मेरा मानना है कि अगर रिजल्ट आना है तो आ जाएगा, 1 महीने में समझ तो आने लगेगा, मैं बिना मतलब का यूज़ करता रहूँगा, पैसा वेस्ट रहेगा तो क्या मतलब है फिर यूज़ करने का। तो ये जो सीन है, बस एक मेडिसिन है जिसको मैं प्रॉपर लॉन्ग टर्म तक यूज़ करता हूँ, वो है होम्योपैथी, उस पर मैं टाइम देता हूँ, ठीक है भाई मुझे 1 महीने में रिजल्ट नहीं दिख रहा, 2 महीना 3 महीना करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को प्रॉपर रिव्यू देता हूँ, जो कि मैंने R89 की एक वीडियो बनाई थी, अब
आप जाके देख सकते हो वाली वीडियो। उसके साथ मैं कुछ और मेडिसिन यूज कर रहा हूँ उसके बारे में बनाऊंगा। अगर उस वीडियो में काफी अच्छा व्यू गया तो शायद मैं वो वाला भी वीडियो बनाऊंगा कि मैं खुद का अपना मिनोक्सिडिल कैसे बना के यूज कर रहा हूँ, तो वो आप वीडियो जाके देखो। उस पर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अपना प्यार दो ताकि मैं कमिंग वीडियो में वो बना सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि मैं वो कौन सा होम्योपैथिक का खुद का सेल्फ मेड टाइप का मिनोक्सिडिल मैं बोल सकता हूं वो मैं यूज़ करता हूं अपने बालों को हेयर फॉल से प्रिवेंट करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं इस आदिवासी हेयर ऑयल का प्रॉपर रिव्यू। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पहला जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी थी, हेयर फॉल में कोई दिक्कत नहीं था। हेयर फॉल बहुत मेडिसिन में ऑयल में यूज़ करता था तो उससे हेयर फॉल बढ़ जाता था, इससे मुझे कोई समझ में नहीं आया दिक्कत ऐसा कि हेयर फॉल इससे बढ़ा। ठीक था, हेयर ग्रोथ भी नहीं मुझे दिखा, हेयर फॉल भी नहीं दिखा। बाकी इसमें मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा केमिकल है, क्योंकि मैंने उस समय भी बताया था इसमें जो परफ्यूम इसका जो सेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा। तो कोई भी अगर नेचुरल फॉर्म में अगर कोई ऑयल निकालोगे तो उसमें वो चीज़ें नहीं दिखेंगी जो आर्टिफिशियल परफ्यूम में दिखने समझ में आती हैं। तो इसमें लगा था कुछ आर्टिफिशियल परफ्यूम है। इसके वजह से मुझे दिक्कत क्या हुई, मेरा जो ग्रेइंग हेयर का वाइट होना स्टार्ट हुआ। एक से एक महीने तक मैंने इसको यूज़ किया और मैंने नोटिस किया कि मेरे इस साइड पे मैंने बाल अभी ट्रिम करा, आपको दिखेगा नहीं, इस साइड पे मेरे काफ़ी बाल ग्रे हो गए थे, 3-4 बाल इधर ग्रे हुए थे। मैंने बाद में उसको कटवाया जब मैं सलून पे गया था तो इससे ग्रेइंग का इशू था। दूसरा क्या दिक्कत आया था मुझे इस हेयर ऑयल से, इचिंग और डेंड्रफ। इन्होंने लिखा है इचिंग और डेंड्रफ को ये प्रिवेंट करते हैं, पर ये हेयर ऑयल जो है ये थिकनिक के वजह से, इसका जो थिक है थिकनिक के वजह से, इससे मुझे लगा था कि स्कैल्प पे मेरे डस्ट को अब्जॉर्ब बहुत तेज करता था ये, और उसके वजह से मुझे डेंड्रफ का इशू हुआ और इचिंग का इशू हुआ। रात में मैं खुजाने लगता था सर, ऐसा लगता था क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, और फिर मैं ये हेयर ऑयल बंद कर दिया। मुझे कुछ 10 दिनों में इसका दिखने लगा, उसके बाद मैंने हेयर कटिंग कराई, उसके बाद से जो वाइट हेयर थे वो तो खैर वैसे ही है, कोई उसमें खास दिखा नहीं, बाल छोटे हो गए तो पता नहीं चल रहा है, पर ये मुझे दिक्कत दिखा था। बाकी मुझे फ़ायदा क्या दिखा था वो मैं बताता हूँ। मुझे इससे कोई हेयर फॉल नहीं दिखा था, हेयर ग्रोथ का मैं बोलूँ कि हेयर ग्रोथ मुझे सही अच्छा लगा था, पर जो हेयर की लेंथ है वो ग्रोथ हो रही थी, नए हेयर जो है ना वो ग्रोथ नहीं हो रहे थे। तो अगर आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या फिर कस्टर्ड ऑयल या फिर जो भी आपको ऑयल समझ में आता है, अगर तिल का भी तेल लगाओगे तब भी आपको अच्छा हेयर ग्रोथ फास्ट होता है, पर जो न्यू हेयर ग्रोथ है उसमें कोई भी इससे मतलब नहीं है, कोई नया हेयर ग्रोथ नहीं हुआ इससे, और ना ही मुझे लगता है कि अगर मैं 4 डब्बे भी यूज़ करूँगा तो होगा। तो ये वो आदिवासी हेयर ऑयल नहीं है। बाकी जो भी बेच रहे हैं ठीक है भाई, आप मेहनत कर रहे हो, पैकेजिंग ब्रांडिंग अच्छा कर रहे हो, ब्रांड है विश्वंबरी, ये वो हेयर ऑयल नहीं है जो कई कर्नाटका वाले बंदे क्लेम करते हैं जो अपना बाल खोल के दिखाते हैं, बोलते हैं कि मैंने ये बनाया है। ये है दूसरा, और साइड इफेक्ट की मैंने बता दी आप लोगों को, साइड इफेक्ट क्या हुआ था मुझे, ये हेयर ग्रेइंग का इशू, दूसरा इचिंग और थोड़ा सा डेंड्रफ का फील हुआ था मुझे, क्योंकि यूजली मुझे डेंड्रफ होता नहीं है, पर उस केस में अपने होम टाउन पे था, वहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं जब भी इसको यूज़ करता था, और देखो मैं जब भी ऑयल यूज़ करता हूँ 8 घंटे से ज़्यादा नहीं अपने सर पे रखता हूँ, वीक में 2 या 3 बार ही मैक्स टू मैक्स यूज़ करता हूँ, फिलहाल तो मैं 2 ही बार यूज़ कर रहा था इसको, तो इसलिए काफ़ी लंबा चला भी, 1.5 महीने चल गए आराम से, और बाल मैंने छोटे कराए थे तो मुझे ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं हुई, आराम से यूज़ करता था थोड़ा सा लेके। तो मुझे वहाँ पे ये समझ में आया इसका सीन कि मुझे इससे जो स्कैल्प था वो स्कैल्प गंदा होने लगा था काफ़ी, तो इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया यूज़ करना। अभी ये 2-3 राउंड चल जाएगा पर इसको अब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये था मेरा रिव्यू जो कि ये विश्वंबरी हेयर ऑयल है। और प्लीज़ अगर आप कोई भी फेक प्रोडक्ट ऐसे बना के, मैंने सुना है कि बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसके भी कॉपी बन रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा अवेयर रहो, आप देख के मंगाओ, या तो फिर डायरेक्ट आप कॉल करो उन बंदों को जो ये बेच रहे हैं ये आदिवासी हेयर ऑयल कर्नाटका के बंदे, उनका नंबर है, उनका आप जो भी ऐड देखोगे उसमें नंबर आता है साइड, तो आप उनको देखो, मैंने भी वहीं से बात किया था, आप उनसे ऑनलाइन मंगा लो, थोड़ा सा 250-300 रुपये का है वो, और ये 250 ml है वो, शायद 500 ml का है, ये 60 ml का है, तो वो कुछ 800-900 के आसपास मिलेगा, आप एक बार उसको मंगा के यूज़ करो। मैं भी अभी उसको ट्राई करने वाला हूँ, फिलहाल मैं अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट ऑयल मैंने बनाया है घर पे, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा है। तो अगर इस वीडियो पे भी अच्छा रिव्यू आया, आप लोगों का प्यार अच्छा दिखा, तो उसके बारे में प्रॉपर अच्छे से एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपना खुद का होममेड हेयर ऑयल बना रहा हूँ। उससे मुझे बस एक फ़ायदा मिल रहा है कि जो मेरे हेयर की थिकनेस है वो अच्छी हो गई है, और बालों का जो शाइनिंग है वो भी बढ़ गया, तो भी मैंने उसको यूज़ कर रहा हूँ, उसके बारे में बताऊँगा। बस इस वीडियो में इतना ही, जो अपकमिंग वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कुछ जो हेयर फॉल होता है इमीडिएट अपने सिकनेस को रिकवर करने के बाद उसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को वो जरूर देखना, अपकमिंग वीडियो है उसको जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। बस इस वीडियो में इतना ही बोलना था। हर हर महादेव, बी फिट बी एक्टिव, बाय बाय।